नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गा पटेल। आप सभी का एंड्रॉयड गुरु में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपका मोबाइल खो गया है, गुम हो गया है, तो आप अपने मोबाइल को कैसे ट्रेस करें। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है और उसके बाद आप अपने मोबाइल को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किस लोकेशन में रन कर रहा है। तो यदि आपके पास स्मार्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो गुम हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल को कैसे ट्रेस करेंगे, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल कैसे करें, और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर आपके मोबाइल में एनेबल है तो आपका मोबाइल गुम हो जाए और फिर उसको दूसरे मोबाइल से आप कैसे लॉगिंग करके उसको ट्रेस करेंगे, सारे तरीके मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद फाइंड माई डिवाइस या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर डिटेक्टर किसी एक को सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ गूगल फाइंड माई डिवाइस का एक एप्लीकेशन आएगा जिसे हमें इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका मोबाइल खो जाए तो किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में ही आप इस प्ले स्टोर से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप लॉगिन करें, और आपके मोबाइल में गूगल लॉगिन होना आवश्यक है जो मोबाइल आपका गुम हो चुका है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन मांग रहा है। मेरा जो इसमें आईडी चल रहा है, एंड्रॉयड गुरु का आईडी चल रहा है, इस आईडी से आप लॉगिन करें। इसमें दो तरीके से लॉगिन, या तो एक गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं, या आप अपना एंड्रॉयड जिसमें आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू एज ए एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे और इसमें पासवर्ड अपना डालकर लॉगिन करेंगे। जी लॉगिन करने के बाद अलाउ करना है। और लॉगिन होते ही आपका मोबाइल किस लोकेशन में रन कर रहा है ये तुरंत आपके मोबाइल पे शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है मेरे हाथ में जो मेरा स्मार्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है मोटरोला मोटो जी 3rd generation है, वो नीचे दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है इन योर हैंड, मतलब ये मोबाइल मेरे हाथ में ही है, मेरा स्मार्टफोन मेरे हाथ में ही है। आपका मोबाइल किसी और दूसरे के हाथ में होगा और किसी दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से आप अपने मोबाइल को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में आप अपने ही जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपका जिस जीमेल अकाउंट से आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल होगा उसी अकाउंट से लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 2-3 options खुल के सामने आएंगे। ये मोबाइल मेरे हाथ में है इसलिए यहाँ पे इरेस डिवाइस का ऑप्शन जो है वो हाइलाइटेड नहीं है। तो अगर मेरा ये मोबाइल किसी और के हाथ में होता और मैं किसी दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से यदि अपने ईमेल आईडी को लॉगिन किया होता तो मेरा यहाँ पे एक ऑप्शन इरेस डिवाइस का एक ऑप्शन जो है हाइलाइटेड होता। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्ले साउंड कर सकते हैं और डायरेक्ट उस मोबाइल और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस करना चाहते हैं तो आप अगर उस व्यक्ति के पास अपना कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वो उस मोबाइल के डिस्प्ले पे लॉक डिस्प्ले पे शो करने लगेगा। और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी अपना टाइप करके आप सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ये इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि किसी को यदि मेरा मोबाइल मिला हो तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचे, मेरा मोबाइल नंबर पहुंचे, जिससे कि वो हमें कांटेक्ट करके मेरा मोबाइल वापस कर सके। यदि कोई जानबूझ के चोरी किया है तो उसे या तो फॉर्मेट करवाएगा या पासवर्ड क्रैक करवाएगा तो वहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर लॉक है तो विदाउट गूगल FRP वेरीफिकेशन का वो फॉर्मेट नहीं होगा। तो वहाँ पे गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन मांगेगा जहाँ पे कि आपका जो कि मोबाइल तब तक प्रोटेक्ट रहेगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल के सारे डाटा को इरेज कर सकते हैं आसानी से और अपने मोबाइल को
या अपने डेटा को, अपने फ़ोटो वीडियो सारी चीज़ों को, मल्टीमीडिया जितने भी डिटेल्स हैं आपके, उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड डिवाइस फ़ोन में ही रन होता है और किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन मोबाइल में इस एप्लीकेशन को आप चला सकते हैं और इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो आप मेरे इस चैनल को, एंड्रॉयड गुरु चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।